होंडा का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर होंडा एक्टिवा के 110 सीसी के स्कूटर का 6th जनरेशन मॉडल होंडा एक्टिवा 6G मार्केट में लॉन्च हो गया है। यह स्कूटर अपडेट था होंडा एक्टिवा 5G से, जो एक BS4 मॉडल था। वहीं दूसरी तरफ TVS का भी सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स TVS जुपिटर की भी BS6 वर्जन की डिटेल्स वेबसाइट पर आ ही चुकी हैं। फिर राजेश कुमार जी, श्रीकांत साहू जी और सैयद नौमेन जी का मैसेज आया, सर एक्टिवा 6G और TVS क्लासिक BS6 का कंपैरिजन वीडियो बनाए। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आशीष आज एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे होंडा और TVS के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स की BS6 अपडेट की। तो राजेश भाई, श्रीकांत भाई, सैयद नौमेन जी और चैनल के बाकी माननीय सब्सक्राइबर्स, तैयार हो जाइए होंडा एक्टिवा 6G और TVS जुपिटर BS6 के डिटेल कंपैरिजन का पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं यहां पर होंडा एक्टिवा के 6G और TVS जुपिटर के हर एक एस्पेक्ट को कवर करूंगा और इनका साइड बाय साइड थ्योरेटिकल कंपैरिजन भी करूंगा। तो स्टे ट्यून और आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशंस की और स्पेसिफिकेशंस डिफरेंसेस की। देखते हैं दोनों का इंजन। होंडा एक्टिवा 6G में आपको मिलेगा 109.51 सीसी का फैन कूल्ड 4-स्ट्रोक प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड स्पार्क इग्निशन इंजन। बात करें TVS जुपिटर BS6 की, तो जुपिटर में आपको मिलेगा 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ETFI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। एक्टिवा का बोर और स्ट्रोक है 47mm x 63.1mm का और जुपिटर का बोर और स्ट्रोक है 53.5x48.8mm का। एक्टिवा 6G का इंजन आपको देगा 7.79 HP की पावर और 8.79 Nm का पीक टॉर्क और जुपिटर की पावर और टॉर्क वैल्यूज है 7.38 HP की पावर और 8.4 Nm का टॉर्क। अगर हम वैल्यूज एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि जुपिटर का इंजन थोड़ा सा बड़ा है, मामूली सा 0.2 cc का। दूसरा, एक्टिवा के इंजन का स्ट्रोक बड़ा है और बोर छोटा है, मतलब ये इंजन टॉर्क सेंट्रिक इंजन है, और जुपिटर के इंजन में बोर बड़ा है और स्ट्रोक छोटा है, मतलब जुपिटर का इंजन रेसिंग पर्पज से बनाया गया है। ये आपको ज्यादा पावर देगा, मगर उसके बावजूद भी एक्टिवा के इंजन में पावर और टॉर्क वैल्यूज जुपिटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब चूंकि एक्टिवा में जुपिटर के कंपैरिजन में बड़ा स्ट्रोक है, तो उसमें टॉर्क आपको ज्यादा मिलना ही था, जो है 0.39 Nm ज्यादा। मगर ये 0.41 HP की ज्यादा पावर के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है होंडा की सेंसर बेस्ड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, जो इंजन में सिर्फ उतना ही फ्यूल इंजेक्ट करती है जिसमें से एक इफिशियंट कंबस्टन हो पाए, वो टेक्नोलॉजी TVS की CVTI या चार्ज मोशन वेरिएबल टाइम इग्निशन टेक्नोलॉजी से बेहतर हो। अब बात करते हैं दोनों के डायमेंशंस की। एक्टिवा 6G की लंबाई 1833mm की और जुपिटर की लंबाई 1834mm की, तो यहाँ पर जुपिटर मामूली सा 1mm लंबा है। एक्टिवा 6G की चौड़ाई 697mm की और जुपिटर की चौड़ाई 678mm की, और एक्टिवा 6G की ऊंचाई 1156mm की, और वही जुपिटर की है क्लासिक वर्जन की 1286mm की, और जुपिटर के बेस मॉडल या बाकी सारे मॉडल्स की है 1115mm की। यानी यहाँ पर एक्टिवा चौड़ाई में 19mm ज्यादा है और ऊंचाई में 41mm ज्यादा है। हालांकि अगर आप जुपिटर के क्लासिक वेरिएंट की ऊंचाई होंडा एक्टिवा से कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे एक्टिवा जुपिटर के क्लासिक एडिशन से काफी छोटी है, जो है लगभग 130mm। हो सकता है जुपिटर क्लासिक विंडशील्ड की वजह से इतना ऊंचा हो, मगर आप मुझे एक बात बताइए, जब हम जुपिटर खरीदने जाते हैं तो हम में से कितने लोग जुपिटर का क्लासिक वेरिएंट खरीदते हैं? तो जिन्हें क्लासिक वेरिएंट पसंद है उनके लिए तो ये कंपैरिजन ठीक है, बाकियों के लिए एक्टिवा ही ज्यादा ऊंचा है। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो एक्टिवा का व्हील बेस है 1260mm का और जुपिटर का है 1275mm का। तो यहाँ पर जुपिटर आपको सड़क पर चलने में ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, मगर हाई स्पीड में कॉर्नर्स कटिंग में इन दोनों में से एक्टिवा बेटर है। ग्राउंड क्लीयरेंस की तरफ चलें तो एक्टिवा का ग्राउंड क्लीयरेंस 171mm जो होंडा बोलता है वो है बेस्ट इन सेगमेंट, और जुपिटर का ग्राउंड क्लीयरेंस 150mm अनलेडन। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता ही है कि होंडा का क्लेम है एक्टिवा का ग्राउंड क्लीयरेंस बेस्ट इन क्लास है। चले हम लोग अब इनके वजन की तरफ। तो होंडा एक्टिवा का वजन है 107 kg का और जुपिटर है उससे भारी 2 किलो 109 kg का, तो यहाँ पर एक्टिवा 2 किलो हल्का है। अगर हम पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो एक्टिवा की वैल्यू है 0.0728 HP/kg और अगर जुपिटर की बात करें तो वो है 0.0677 HP/kg। तो यहाँ पर एक्टिवा के पास बिल्कुल एडवांटेज है, क्योंकि उसका पावर टू वेट रेशियो ज्यादा है। एक्टिवा में आप जुपिटर के कंपैरिजन में 300 ml ज्यादा पेट्रोल भरवा सकते हैं, यानी एक्टिवा का पेट्रोल टैंक है 5.3 L का और जुपिटर का है 5 L का। यहाँ टायर्स में जुपिटर के पास एक एज है। एक्टिवा में आगे और पीछे अलग अलग साइज के टायर्स आते हैं। आगे आता है 12 इंच का टायर और पीछे आता है
10 इंच का छोटा टायर। जुपिटर BS6 आएगा दोनों 12 इंच के टायर्स के साथ। हालांकि दोनों स्कूटर्स में टायर्स की चौड़ाई सेम ही है 90 mm की। दोनों टायर्स के बराबर होने के एडवांटेज तो आप जानते ही होंगे, आपको कटिंग वगैरह में कुछ मदद मिलती है, इसीलिए यहाँ पे जुपिटर बेटर है। और दोनों गाड़ियों में टायर जो है वो ट्यूबलेस है। एक्टिवा 6G में आपको मिलेगी 12 वोल्ट की 3 एम्पियर आवर की बैटरी, और जुपिटर की बैटरी की वोल्टेज रेटिंग सेम है मगर इसकी करंट रेटिंग ज़्यादा है 4 एम्पियर आवर की। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा एम्पियर आवर रेटिंग की बैटरी होगी उसे चार्ज करने में उतना ज़्यादा ही समय लगेगा, मगर आपको इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इशू मैन्युफैक्चरर ने बैटरी लगाते समय अपने स्कूटर में दूर कर ही दिया होगा। अब चलते हैं फीचर डिफरेंसेस की तरफ। चेंज द गेम स्कूटर एक्टिवा 6G आता है ESP यानी एनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी हेल्प से इसे आप साइलेंट स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपको 10% ज़्यादा माइलेज देगा और इसमें फ्रिक्शन भी कम होगा। ज़्यादा का फायदा स्कूटर जुपिटर आता है ETFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, जो देता है बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस और 15% बेहतर माइलेज। दोनों स्कूटर के टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प्स। एक्टिवा 6G का टॉप वेरिएंट है डीलक्स और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको हैलोजन हेडलाइट ही मिलेगी। वैसे ही जुपिटर में भी हैलोजन हेडलाइट आपको बेस मॉडल में मिलेगी और जुपिटर ZX, ग्रांडे और क्लासिक वेरिएंट्स LED हेडलाइट के साथ आएंगे। एक्टिवा 6G आता है साइलेंट स्टार्ट ACG यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मोटर के साथ। ACG गियर्स की आपस में मैशिंग और गियर एंगेजमेंट की नॉइज को हटा देता है, जिससे आपका स्कूटर कब स्टार्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जुपिटर में ऐसी कोई भी फीचर नहीं है। एक्टिवा 6G में आपको एक पासिंग स्विच भी देखने को मिलता है, जबकि TVS जुपिटर ऐसी कोई भी फीचर के साथ नहीं आता। जुपिटर की अंडर सीट स्टोरेज है 21 लीटर की और होंडा एक्टिवा 6G की अंडर सीट स्टोरेज की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर अनऑफिशियली ये शायद 18 लीटर की है। ये इन्फॉर्मेशन अनऑफिशियल इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू मैं पुराने वाले 5G मॉडल से ले रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि होंडा की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। और जब मैं होंडा की टोल फ्री कस्टमर केयर पर जब भी कोई चीज़ पूछने की कोशिश करता हूँ तो उनका कस्टमर केयर ज़बरदस्त है, उनके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं होता। उनसे पूछो तो वो जवाब देते हैं कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो हमें भी नहीं पता, डीलरशिप से बात कर लो। और डीलरशिप तो भाई माशाल्लाह है, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। तो सॉरी दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। अगले पॉइंट में जुपिटर के क्लासिक एडिशन में आपको आगे की तरफ एक पॉकेट मिलती है जिसमें आप अपना फ़ोन या कोई ज़रूरी सामान रख सकते हैं, और चार्जिंग के टाइम भी आप फ़ोन को वहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फीचर आपको एक्टिवा 6G और जुपिटर के बाकी मॉडल्स में नहीं मिलती है। जुपिटर में इसी पॉकेट के ठीक ऊपर आपका मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल इजिली चार्ज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ जुपिटर के टॉप वेरिएंट क्लासिक में ही मिलेगी। जुपिटर के बाकी वेरिएंट्स और एक्टिवा 6G में आपको मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगले पॉइंट की तरफ चलें तो जुपिटर ZX और जुपिटर क्लासिक में आपको डुअल टोन सीट मिलती है। हालांकि क्लासिक की सीट ZX से ज़्यादा प्रीमियम है। ग्रैंडे में भी आपको एक प्रीमियम सीट मिलती है जो खूबसूरत ब्राउन कलर की है। जुपिटर का बेस मॉडल और एक्टिवा 6G दोनों ब्लैक कलर की सिंपल सी सीट के साथ आते हैं। अगले पॉइंट में जुपिटर के चारों मॉडल्स में स्पीडोमीटर दिखने में अलग अलग है, मगर मैं यहाँ पे बात करूँगा क्लासिक की क्योंकि उसकी कन्फर्म BS6 अपडेट हमारे पास आ चुकी है। इसका स्पीडोमीटर डुअल टोन में है, बेज और ब्राउन कलर में। राइट साइड में आपको एक फ्यूल इंडिकेटर दिखता है, लेफ्ट साइड में आपको इकोनोमीटर और पावर रेंज की लाइट्स दिखती हैं। उसके नीचे मिलती है इंजन चेक वार्निंग लाइट। ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर मिलते हैं और बीच में लो फ्यूल वार्निंग मिलती है। सेंटर में आप स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यूज देख सकते हैं और देख सकते हैं हाई बीम लाइट इंडिकेटर। ये मीटर्स आपको मैनुअली मिलेंगे। वहीं चले एक्टिवा 6G के स्पीडोमीटर की तरफ तो ऊपर की तरफ आपको मिलता है स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। लेफ्ट और राइट में इसमें आपको मिलते हैं इंडिकेटर लाइट्स। नीचे बीच में आपको मिलेगा मैनुअल फ्यूल गेज और लेफ्ट साइड में हाई बीम लाइट और राइट साइड में इंजन चेक वार्निंग लाइट मिलती है। इसके क्लासिक वेरिएंट में पीछे की तरफ आपको एक बैकरेस्ट भी मिलता है जो इसके बाकी वेरिएंट्स में नहीं आता। हालांकि वो छोटा सा है मगर फिर भी वो काफ़ी आइकॉनिक दिखता है। एक्टिवा में आपको ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये तो थे फीचर्स डिफरेंसेस, अब बात करते हैं अपीयरेंस की। ये डिफरेंसेस मैं आपको अलग अलग फोटोज से दिखाऊंगा। जुपिटर के ग्रैंडे और ZX वेरिएंट्स की हमारे पास BS4 की इमेजेस हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं कि अपीयरेंस में BS4 और BS6 में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बाकी जुपिटर क्लासिक और जुपिटर बेस मॉडल की BS6 अपडेट की इमेजेस हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट से। जुपिटर की हेडलाइट एक्टिवा के कंपैरिजन में बड़ी है। जुपिटर के बेस मॉडल को छोड़ के बाकी सब में LED हेडलाइट है। एक्टिवा में इंडिकेटर ऊपर हेडलाइट के साथ ही लगे हुए हैं, जबकि जुपिटर के चारों मॉडल्स में इंडिकेटर हेडलाइट के नीचे की तरफ लगे हुए हैं। जुपिटर के बेस मॉडल और जुपिटर ZX में मिरर ब्लैक कलर में बिल्कुल सिंपल से हैं, जबकि जुपिटर ग्रैंड में मिरर्स में क्रोम इंसर्ट है और जुपिटर क्लासिक के मिरर्स गोल हैं और पूरे क्रोम के हैं।
वहीं दूसरी तरफ एक्टिवा 6G के मिरर्स हालांकि ब्लैक है मगर वो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। जुपिटर का फ्रंट पोर्शन देखने में काफी सिंपल है, वहीं एक्टिवा 6G का फ्रंट पोर्शन काफी ज्यादा स्टाइलिश है। उसमें आपको काफी एजेस देखने को मिलते हैं और उसमें आपको बीच में दो क्रोम की इंसर्ट भी देखने को मिलेंगी। जुपिटर का फ्रंट फेंडर एक्टिवा के कंपैरिजन में देखने में बड़ा है और उसके ग्रूव्स उसको काफी स्टाइलिश बनाते हैं। जुपिटर के ग्रैंड और क्लासिक एडिशन में इसमें आपको एक क्रोम का पार्ट भी मिलता है। एक्टिवा के फ्रंट सस्पेंशन सिल्वर कलर के हैं जबकि जुपिटर के सस्पेंशन चारों मॉडल्स में हैं ब्लैक कलर के। दोनों स्कूटर्स के आगे के टायर 12 इंच के और 90 मिलीमीटर चौड़े हैं और इसीलिए यहाँ पर हमें इनमें कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता। जुपिटर क्लासिक आता है एक बड़ी विंडशील्ड के साथ। जुपिटर के बाकी मॉडल्स और एक्टिवा 6G ऐसी किसी भी विंडशील्ड फीचर के साथ नहीं आते। चले आप साइड प्रोफाइल पर, तो जो सबसे पहली नजर आपकी यहाँ पर पड़ती है वो है जुपिटर ZX क्लासिक और ग्रैंड की खूबसूरत डुअल टोन और प्रीमियम सीट और जुपिटर बेस और एक्टिवा 6G की सिंपल सी ब्लैक कलर की सीट। ये सारे स्कूटर्स आपको डुअल टोन कलर में ही मिलते हैं जिसमें से जुपिटर बेस और एक्टिवा 6G कलर और ब्लैक कलर के डुअल टोन कलर में है और जुपिटर के बाकी तीनों कलर्स कलर और प्रीमियम बेज कलर के डुअल टोन कॉम्बिनेशन में है। इसकी साइड प्रोफाइल में जुपिटर के सीट के नीचे की पोर्शन भी काफी सिंपल सी डिजाइन लिए हुए है जबकि एक्टिवा 6G का पोर्शन काफी कर्वी और स्टाइलिश है। एक्टिवा में फ्रंट फेंडर से जुड़े गोल्ड रिफ्लेक्टर आपको लगे हुए दिखते हैं और जुपिटर में रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टर फ्रंट फोक्स पे लगे हुए दिखते हैं। इन इमेजेस में जुपिटर के बाकी तीनों मॉडल्स पर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं दिखता और ये सिर्फ आपको क्लासिक मॉडल में दिखाई देता है। चले नीचे पहियों की तरफ, तो यहाँ पर जुपिटर के पास एक एज है क्योंकि जुपिटर आता है एलॉय व्हील्स और दोनों बड़े पहियों के साथ, जो फर्क यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। इस फोटो में एक्टिवा का पीछे का छोटा पहिया आप देख सकते हैं और इसके साथ एक्टिवा सिल्वर कलर की स्टील व्हील्स के साथ आता है जो देखने में सुंदर तो लगती है मगर एलॉय व्हील्स तो फिर एलॉय ही है। और ग्रैंडे की एलॉय व्हील इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर फिर कुछ और दिखता ही नहीं है। जुपिटर के फ्लोर बोर्ड के नीचे का पोर्शन भी थोड़ा सिंपल है और एक्टिवा का पोर्शन काफी खूबसूरत है। साइलेंसर की बात करें तो एक्टिवा का साइलेंसर छोटा सा है और जुपिटर का साइज में बड़ा है। जुपिटर के साइलेंसर का कवर भी क्रोम का है और एक्टिवा 6G का ब्लैक और प्लास्टिक का। एक और चीज आप यहां पर गौर कर पाएंगे वो है एक्टिवा का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस जो इन फोटोज में साफ दिखाई दे रहा है। चलें दूसरी साइड की प्रोफाइल पर, तो जुपिटर के रियर फुट पैक्स काफी ऊंचे हैं और फ्लोर बोर्ड के ऊपर ही लगे हुए हैं जबकि एक्टिवा 6G में ये फ्लोर बोर्ड के लास्ट में लगे हुए हैं और काफी नीचे हैं। एक्टिवा का हैंडल बार के नीचे का पोर्शन भी पीछे की तरफ झुका हुआ है और पकड़ने में काफी आसान होगा, राइडर को एक कंफर्टेबल पोजीशन देगा। जुपिटर की पकड़ने में और बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। पीछे का रियर हैंड ग्रैब एक्टिवा का बड़ा है मगर जुपिटर का भी काफी कंफर्टेबल टू होल्ड है। चले पीछे की तरफ, तो यहाँ पर एक्टिवा का बड़ा टेल लैंप पोर्शन जुपिटर के कंपैरिजन में काफी खूबसूरत लगता है। दोनों में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप दिखती है जो एक्टिवा में मेटल कवर के पीछे छुपी हुई है और जुपिटर में बाहर की तरफ ही है। एक्टिवा की लिड फ्यूल टैंक के ऊपर हिंज नहीं है बल्कि अलग हो जाती है जबकि जुपिटर की लिड हिंज ही रहती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये फ्यूल कवर खोलने के लिए एक्टिवा 6G में जहाँ आपको एक मल्टी फंक्शनल स्विच मिलता है जिससे आप अपनी सीट भी खोल सकते हैं, वहीं जुपिटर में सीट और फ्यूल टैंक का कवर खोलने के लिए आपको चाबी दूसरी साइड लगानी पड़ती है जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। बात करें दोनों के बॉडी मटेरियल की, जिसके लिए आपने मुझे पहले मैसेज किया था तो मैंने वो भी जाकर चेक कर लिया। एक्टिवा 5G पीछे से मेटल बॉडी के साथ है, फ्रंट में भी इसकी बॉडी मेटल की ही दिखती है और फ्रंट फेंडर भी मेटल का ही है। जुपिटर BS4 आता है पीछे से मेटल बॉडी के साथ और आगे से शायद फाइबर का है, हालांकि इसका फ्रंट फेंडर भी मेटल का ही है। दोस्तों स्कूटर खरीदते समय दो बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पहली है सीट हाइट और दूसरी है फ्लोरबोर्ड हाइट। तो मैंने सीधे जाके स्कूटर ढूंढकर ये दोनों चीजें नाप ली हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्कूटर की खुद टेस्ट राइड लीजिएगा और सिर्फ वीडियो देखकर ही डिसाइड मत कर लीजिएगा। ये आपके सामने वीडियो में एक्टिवा 5G और TVS जुपिटर का BS4 वर्जन। चूंकि BS6 अपडेट्स तो अभी हमारे जैसे छोटे शहर में पहुंची नहीं है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वैल्यूज BS6 अपडेट में शायद चेंज ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरबोर्ड हाइट की, यानी आपके पैर रखने की जगह की। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक ऊंचा फ्लोरबोर्ड आपको स्कूटर संभालने में दिक्कत देगा। तो एक्टिवा 5G की फ्लोरबोर्ड हाइट आ रही है लगभग 300 मीटर के आसपास और जुपिटर का फ्लोरबोर्ड हाइट है 290 मिलीमीटर के आसपास। तो यहाँ पर जुपिटर एक्टिवा से थोड़ा सा नीचा है। अब बात करते हैं दोनों की सीट हाइट की। तो एक्टिवा की सीट हाइट दिख रही है लगभग 700 मिलीमीटर के आसपास और जुपिटर की सीट हाइट दिख रही है 670 मिलीमीटर के आसपास। तो यहाँ पर आपको जुपिटर थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि ये वैल्यूज आपको खुद ही टेस्ट राइड लेके फाइनल करनी होंगी और आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए मगर जो फील और एक्सपीरियंस आपको इन स्कूटर को चलाने पर मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों की सिमिलैरिटीज की। दोनों स्कूटर्स आपको सेम ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ मिलेंगे जो है कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी CVT ऑटोमेटिक। ये दोनों स्कूटर सेल्फ और किक दोनों ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। दोनों में आपको सेम चैसी मिलेगा जो है अंडरबोन चैसी। इन दोनों स्कूटर्स में आपको मिलते हैं सेम सस्पेंशन सेटअप, आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आता है
थ्री स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन। तो उम्मीद है दोनों स्कूटर्स आपको अनइवन सड़कों पर अच्छा कंफर्ट देंगे। यहाँ पर आपको दोनों स्कूटर्स में आगे और पीछे स्लैम ब्रेक्स मिलते हैं, दोनों पहियों में 130 मिलीमीटर के ड्रम ब्रेक्स आते हैं। हालांकि जुपिटर के हाई एंड वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक्स भी मिलेंगे। एक्टिवा 6G और जुपिटर दोनों में आपको दो हुक्स मिलते हैं, एक लगा हुआ है सीट के नीचे और दूसरा लगा है फ्रंट हैंडल बार के नीचे। अब बात करते हैं दोनों के मॉडल्स की और कलर्स की। एक्टिवा में दो वेरिएंट्स आते हैं, डीलक्स और स्टैंडर्ड। हालांकि दोनों वेरिएंट्स में कलर्स में कोई फर्क नहीं है, वो आते हैं 6 कलर्स में, ग्लिटर ब्लू मेटेलिक, पर्ल स्पार्टन रेड, डेजल येलो मेटेलिक, ब्लैक, पर्ल प्रेशियस व्हाइट और मैट एक्सेस ग्रे मेटेलिक। जुपिटर में आते हैं 4 मॉडल्स, जुपिटर बेसिक, जुपिटर ZX, जुपिटर ग्रैंडे और जुपिटर क्लासिक। जुपिटर क्लासिक BS6 आया है 3 कलर्स में, ऑटम ब्राउन, सनलिट आइवरी और इंडी ब्लू। बाकी किसी और मॉडल के BS6 कलर्स अभी वेबसाइट पर नहीं आए हैं, तो मैं आपको इनके सिर्फ BS4 कलर्स ही बता सकता हूँ। ग्रैंडे एडिशन आता है 2 कलर्स में, टैग ब्लू और मैट स्टारलाइट ब्लू। जुपिटर ZX आता है 2 कलर्स में, स्टारलाइट ब्लू और रॉयल वाइन। और बेस मॉडल आते हैं 6 कलर्स में, मिडनाइट ब्लैक, मैट सिल्वर, प्रिस्टीन व्हाइट, मिस्टिक गोल्ड, वोल्केनो रेड और मैट ब्लू। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कीमत, माइलेज और सर्विस कॉस्ट। दोस्तों जुपिटर BS4 का ARAI माइलेज है 56 किलोमीटर पर लीटर, BS6 वर्जन देगा लगभग 64 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। वहीं एक्टिवा 5G का ARAI माइलेज था 60 किलोमीटर पर लीटर का और BS6 इंजन आपको देगा लगभग 66 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। पहली 6 सर्विसेज की जुपिटर की सर्विस कॉस्ट की थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है 500 रुपयों से लेकर 1200 रुपयों तक। यही वैल्यूज अगर मैं एक्टिवा की बात करूं तो वो आती है 300 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक। मगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सर्विस कॉस्ट और माइलेज थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। माइलेज डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, कितना इकोनॉमी रेंज में ड्राइविंग करते हैं, कितना ट्रैफिक में चलाते हैं वगैरह। BS6 गाड़ियों की सर्विस कीमतें इन वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आएंगी। लास्ट में चले कीमतों की तरफ, तो अभी BS6 कीमतें सिर्फ जुपिटर बेस, ZX और क्लासिक की ही आई है। एक्टिवा 6G स्टैंड आपको मिलेगा 63,912 एक्सशोरूम दिल्ली पर और एक्टिवा 6G डीलर्स मिलेगा 65,412 एक्सशोरूम दिल्ली। टीवीएस जुपिटर बेस मॉडल का BS6 वर्जन आएगा 61,449 रुपये का, जुपिटर ZX आएगा 63,449 का और जुपिटर क्लासिक BS6 आएगा 67,911 एक्सशोरूम दिल्ली का। तो कीमतों में यहाँ पर जुपिटर ने बाजी मारी है। हालांकि जुपिटर क्लासिक महंगा है मगर फिर वो चीज़ भी कुछ अलग ही है और उसे आप एक्टिवा के बेस या टॉप मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं अगर वीडियो को समराइज करूँ तो एक्टिवा 6G और जुपिटर दोनों एक मैच्योर इमेज के साथ आते हैं। दोनों 110 सीसी के स्कूटर्स हैं, मामूली सी पावर टॉक वैल्यूज एक्टिवा की ज्यादा हैं। एक्टिवा 6G ऊंचाई चौड़ाई में ज्यादा है, जुपिटर के टायर्स बड़े हैं, जुपिटर के क्लासिक और ग्रैंडे में आपको कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। देखने में जुपिटर का टॉप मॉडल काफी खूबसूरत है। जुपिटर का फ्लोर बोर्ड नीचा है और सीट भी नीची है। कुछ फीचर्स में एक्टिवा 6G आगे है तो कुछ में जुपिटर आगे है, मगर ओवरऑल दोनों अपनी अपनी जगह एक शानदार पेशकश हैं। तो दोस्तों आज के इस लंबे वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कि इतने लंबे वीडियो के बाद भी कुछ छूट तो नहीं गया, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और लास्ट में हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस समय दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी डिफरेंसेस पता चले और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के वीडियो को मैं बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आज मैं आशीष आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द दोबारा से मिलने के लिए। नमस्कार।